चलो आप लोगों के क्या क्या डाउट है, क्या क्या आप लोगों को दिक्कत है। एक लड़के ने बोला क्वालिटी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, क्या करें, टाइम है कम, टाइम कम है और क्वालिटी कभी नहीं पढ़ी। एक दूसरे बच्चे ने बोला स्टेट पीएससी के लिए, स्टेट पीएससी के लिए क्या कर रहे हैं। एक तीसरे ने कुछ बोला है मुझसे, हाँ ये गगन आपने क्या लिखा हुआ है, आप वो फिर से लिखिए, मुझे समझ में नहीं आया। चौथे ने बोला है सर इलेक्शन कमिश्नर कमीशन का क्वालिफिकेशन बता दीजिए। बता देता हूँ क्वालिफिकेशन, अब आप लोगों को और क्या चाहिए है। एक ने बोला यूपीएसआई के लिए बता दीजिए, ठीक। फिफ्थ और क्या बताऊँ, करंट के लिए कुछ कर दीजिए, ठीक है करंट कर देते हैं। और सिक्स्थ और कोई है, केसेस, इम्पोर्टेंट केसेस, ओके इम्पोर्टेंट केसेस ऑफ क्वालिटी ये भी कर देते हैं। और बताइए सर क्वालिटी फर्स्ट टाइम। हाँ मैं बता रहा हूँ ना क्या है, आपको सब बता दूंगा, सभी टेंशन मतलब आपका क्वेश्चन अगर यहाँ पे आ गया ना क्वालिटी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वाला तो हो जाएगा, ठीक है। यूपीएसआई के लिए गुलशन ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है, आप इस चीज को पढ़ चुके हो, आपके क्वेश्चन से क्लियर है ये, आपको पढ़ चुके हो, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है तो यू कैन कॉल मी, आपको कॉल करने का तरीका पता है, आप कॉल कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं उस चीज को यहाँ पे लेता हूँ तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उस चीज को वैसे ही रहने दीजिए, मैंने पहले भी बताया था आपको। करेंटली स्टैटिक स्टैटिक अफेयर्स हो गया, चलो स्टैटिक भी लिख लेते हैं, स्टैटिक अफेयर्स चाहिए आपको। और बताइए इसके अलावा, सेवन हो गए, एट नाइन बताइए, स्टैटिक टाइम मैनेजमेंट, क्या टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट भी बता देता हूँ। और इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट फर्स्ट टाइम पर, समीर लिख लिया क्वालिटी फर्स्ट टाइम वाला लिख लिया। मूवमेंट कौन से मूवमेंट भाई, स्पेसिफाई तो करो एक आध एग्जाम्पल तो दो, मूवमेंट बहुत टाइप के मूवमेंट है। ए महालय बताया, ओके 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 ठीक है विशाल। आप विशाल आप मुझे ये ना मैसेज कर दीजिए वहाँ पे, यही टेलीग्राम चैनल वो, इस पे आप मैसेज कर दीजिएगा, जलज जी एस मेन्यू व्हाट्सएप, आपको उसका क्लियर कट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा उस पे, ठीक है। और किसी को कोड भर गया सर इम्पोर्टेंट आर्टिकल, चलो एक एक करके। एक लड़के ने बोला सर टाइम मैनेजमेंट के लिए, वो ने पहले लड़के ने बोला सर टाइम कम है, क्वालिटी कभी नहीं पढ़ी, बताइए क्या करना, क्वालिटी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है ना, यही था ना किसी एक बच्चे का क्वेश्चन। नहीं वर्ल्ड क्वालिटी बिल्कुल मत देखो भाई, एक सेकेंड में यहाँ पे लिख लेता हूँ वर्ल्ड क्वालिटी के बारे में, वर्ल्ड क्वालिटी लिख लेता हूँ, ठीक है। ज्योग्राफी कब से, कब से, और किसी को, मैं आज इसलिए नहीं दिख रहा हूं क्योंकि भाई कुछ प्रॉब्लम हो गई थी कैमरे वैमरे में तो इस वजह से आज नहीं दिख पा रहा हूं, ठीक है। गुलशन आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर दीजिए, मैंने आपको बताया ना इस चीज़ को आप मैसेज कर दीजिए, मैं दूसरों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, अभी मैं वो बात लूंगा ना दूसरे कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको क्लियर है वो चीज़, आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा यहाँ पे एट टेलीग्राम, ठीक है। अब एक एक करके क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फटाफट। ये देखें सर टाइम कम है, पॉलिटी कभी नहीं पढ़ी, कैसे करें,
देखो, एक क्रैश कोर्स के पीडीएफ कर लो एक चीज, दूसरा एमसीक्यू की पीडीएफ कर लो, और तीसरा, जब आप ये दोनों चीजें कर लोगे तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी लूसेंट ठीक है। अगर आप लूसेंट जी के बुक कर लेते हो ठीक है, नहीं आप ये दोनों कर लेते हो तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं है ठीक है, बिल्कुल भी मत करो। लेकिन लेट सपोज आप कहते हो सर मैं पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, तो आप एक काम करो, पहले इसको अपने बाजू में रखो, लूसेंट जी के को अपने बाजू में रखो, क्रैश कोर्स का एक बार नोट्स वो पढ़ लेना, क्रैश कोर्स के एक बार वीडियो देख लेना, अब कोई क्वेश्चन मत भेजना ठीक है। क्रैश कोर्स की एक बार आप वीडियोस देख लीजिए, आप एक बार वीडियोस देख लोगे, इसके बाद ये जो पीडीएफ नोट्स हैं, ये पीडीएफ नोट्स को आप डाउनलोड करके आप लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ये पीडीएफ नोट्स को देखिए कि क्या क्या जो मैंने आपको बताया था वो चीज़ें आपको याद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, एक बार में रिकॉल हो रही है या नहीं हो रही। उसके अलावा ये जो मैं पीडीएफ आप लोगों को ई बुक में दे रहा हूँ, ई बुक्स में दे रहा हूँ यहाँ पे ऐप पर, आप वो पीडीएफ को एक बार, ये एमसीक्यू की पीडीएफ हैं, हर पीडीएफ में 100+ क्वेश्चन होते हैं और वो 100+ क्वेश्चन वीवीआईएमपी होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डिट्टो मिल जाएगा सेम टू सेम, हर एक क्वेश्चन की इतनी ज्यादा औकात है कि अगर वो 100 क्वेश्चन निकल के आए हैं ना, तो वो 100 क्वेश्चन निकल के आए हैं एटलीस्ट 50,000 क्वेश्चन बैंक में से, 50,000 क्वेश्चन के क्वेश्चन बैंक में से निकल के आए हैं ये 100 क्वेश्चन, तो समझ जाइए कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग ये 100 क्वेश्चन ज़रूर ही कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 100 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ये क्रैश कोर्स पे आप लोग पीडीएफ निकाल के कोई दिक्कत नहीं है। और ये जब इस चीज़ में मेरी कोई वर्डिंग समझ में नहीं आती है तो काइंडली रेफर ये वाली बुक, लूसेंट जीके की बुक रेफर कर लीजिए, और उसके अलावा भी कोई दिक्कत हो तो मैंने आपको ये बता ही रखा है, आप लोग यहाँ पे आइए, मुझे क्वेश्चन आप अपनी क्वेरी भेजिए, विद इन 2 to 3 आवर्स आपकी क्वेरी पूरी रिजॉल्व कर दी जाएगी किसी भी हाल में ठीक। क्वेश्चन 1 खत्म, क्वेश्चन 1 खत्म। स्टेट पीएससी के लिए क्या करें, जिसका ये क्वेश्चन था भैया सामने आना एक बार, प्लीज आप अपना नाम एक बार फिर से भेजिए कि स्टेट पीएससी के लिए क्या करें, नाम भेजिए एक बार, प्लीज एक बार रिप्लाई करिए स्टेट पीएससी के लिए क्या करें। ओके जल्दी से नाम भेजो भाई अपना। आशीष भाई ने क्वेश्चन पूछा है सर स्टेट पीएससी के लिए क्या करें, ठीक है। देखो दोस्त, मैं आपको एक बहुत अच्छे से बात बता देना चाहता हूँ, पर्सनली पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि एसएससी में मच बेटर है, इन एवरी एस्पेक्ट मच बेटर है। स्टेट पीएससी में प्रॉब्लम है दो तीन, एक तो मेरे यहाँ का एटलीस्ट, मैं अपने यहाँ का तो एटलीस्ट बता ही दूँ, स्टेट पीएससी में प्रॉब्लम होती है कि ये भी ना लॉन्ग प्रोसेस है ठीक है, ये भी लॉन्ग प्रोसेस है सर, मजाक कर रहे हो क्या, ये भी लॉन्ग प्रोसेस है। यहाँ पे सब्जेक्टिव होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है, पेपर की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव पेपर, ये सब्जेक्टिव पेपर है। आप इस पूरे ड्यूरेशन में कांट प्रेडिक्ट, बट 100% करेक्ट प्रिडिक्शन है। कैसे 100% करेक्ट प्रिडिक्शन है दोस्त, आपने एसएससी का प्री दिया, आपको प्री में ही अपने मार्क्स समझ में आ जाते हैं, बताता हूँ मैं, वो भी बताता हूँ कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी। मैं 100% करेक्ट प्रिडिक्शन का ये बोल रहा हूँ कि दोस्त इस चीज़ में एक बात अच्छी है एसएससी में,
कि आप एग्जाम के हर लेवल पे अपनी औकात पता होती है, आपको औकात पता रहती है कि मुझे कौन सी पोस्ट मिलने वाली है। मैं अगर प्री में बैठता हूँ ना, अभी भी प्री में बैठूँ अगर, तो मुझे प्री देने के बाद मुझे ये पता चल जाएगा कि अप्रोक्सीमेटली मुझे पोस्ट कौन सी मिलेगी, या सिलेक्शन होगा या नहीं। बट इट इज अ ब्लाइंड गेम, ब्लाइंड गेम है ना। और एक बात मैं आपको बहुत अच्छा सा बता दूं, वी आर स्टूडेंट्स नॉट गैम्बलर। ये हाईली रिस्की होता है यहाँ पे, स्टेट पीएससी रिस्की है बिकॉज ऑफ टाइम। अब जिसको ये समझना है कि सर स्टेट पीएससी की तैयारी कैसे करें, तो प्लीज मैं ये बोलूंगा, स्टेट पीएससी की तैयारी आप जब करना जब यू हैव बैकअप, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, किसी को और इसमें कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो बता दो मुझे, इस चीज में किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो बता दो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा। फटाफट बोलो, और इसमें किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो बताओ। आशीष, इज इट ओके? आशीष, इज इट ओके? चलो कंसीडर करते हैं कि अभी ओके है, कोई क्वेश्चन आएगा तब देखें। इलेक्शन कमिश्नर की क्वालिफिकेशन क्या होती है? इलेक्शन कमिश्नर की क्वालिफिकेशन क्या होती है? इलेक्शन कमिश्नर की क्वालिफिकेशन होती है, और स्टेट वाले की होती है डिपेंड ऑन। ठीक, शिवम, अब ये जब हम लोगों की ये इतने क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे ना, फिर हम लोग किसी दिन एक अलग से सेशन लेंगे। आपका जो नया क्वेश्चन, आप, मैंने पहले बोला था कि वो क्वेश्चन आप पहले दे दो। ये यूपीएसआई वाला कौन बंदा था, नाम बताना अपना सारा। यूपीएसआई वाला भाई, नंबर नाम बताओ, नेम, यूपीएसआई वाले नाम बताओ भाई, जल्दी से। यूपीएसआई वाला कुलदीप, ओके दोस्त, यूपीएसआई का पहली बार एग्जाम मैंने नहीं दिया, मैंने नहीं दिया, लेकिन अगर ये पेपर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो तुम्हारा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बस कुलदीप, बस तुम्हारा ये 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बस एक चीज करना तुम, कि जो भी, एक एग्जाम्पल की बात बताऊं, एक बार ना ये उठा लेना, और 10 ईयर्स या जितने भी हो तुम्हारे पास अवेलेबल, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लेना और केवल सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लो या फिर रट लो, या फिर एक सिंगल पेपर सॉल्व करके, सिंगल सॉल्व करके सॉल्व करो, एंड सेंड मी स्कोर, सेंड मी सेक्शन वाइज स्कोर, सेक्शन वाइज स्कोर। आपका जो सेक्शन वाइज स्कोर है ना, आप मुझे बस वो सेंड कर देना, एक प्रीवियस ईयर पेपर में, एक सिंगल प्रीवियस ईयर पेपर में सेक्शन वाइज स्कोर कर दोगे ना। शैलेश क्या कह रहे हैं? यस, वन एग्जाम है हमारे, एग्जाम ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, मैं मान गया ना भाई, ऑब्जेक्टिव है, बट देखो हर स्टूडेंट के लिए, फॉर एवरी स्टूडेंट एडवाइस डिफरेंट होती है, इसलिए डिफरेंट होती है बिकॉज आपका बैकग्राउंड, एजुकेशनल
एजुकेशनल एंड ट्रेड्स सबके सेम नहीं होते, इसलिए आप जब एक पेपर दोगे ना, एक पेपर के एनालिसिस से मैं बता दूंगा कि आपको यहाँ पे और क्या क्या करना इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ ना डिफरेंट वेरी करती है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो प्लीज़ आई वुड रिकमेंड कि आप एक पेपर सॉल्व करके एंड मुझे बहुत जल्दी से जल्दी विद इन 1 और 2 डेज आप मुझे बताएंगे, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप डिले ना करो, बिकॉज अगर आपको मैं कोई एडवाइस दूंगा तो डेट वुड बी ऑफ एटलीस्ट 30 डेज। 30 डेज में आप 0 से सिलेक्शन पे पहुंच जाओगे, ये तो गारंटी है मेरी। भले ही चाहे अगर आप 0 भी ला रहे होगे ना उस पेपर में, तो भी आप सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे, ये तो गारंटी है। इसलिए प्लीज आप मुझे सॉल्व करके एक बार ये बता देना कि भाई स्कोर क्या आ रहा है आपका, अभी करेंट में कहाँ पे स्टैंड करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कौन था, करंट वाला, करंट वाला, करंट अफेयर्स वाला कौन था भाई, करंट अफेयर्स वाला कौन था? नाम बताओ अपना, नाम 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 नाम, करंट अफेयर्स फटाफट। आदर्श, मैंने आपको क्लास में सबसे पहले बताया था विद वेरी फर्स्ट लेक्चर कि करंट अफेयर्स में आपको सेक्शंस बनाने हैं। सेक्शंस बनाने के बाद सिस्टमेटिकली अरेंज करना है। कुछ बच्चों ने मुझे, जो डैम सीरियस बच्चे, मतलब मैं लिटरली बोल रहा हूँ, कुछ मतलब मेरे पास ना आप में से 20-25 ऐसे डैम सीरियस बच्चे हैं कि अगर मैं उनसे बोलूँ कि सर आपको सेक्शन बनाने हैं और सिस्टमेटिकली अरेंज करना है, तो फिर उनको एक ही काम होता है कि सर मैं सेक्शन बना लूँगा और सिस्टमेटिकली अरेंज कर लूँगा। अब सेक्शन कैसे बनाने, लेट सपोज कोई भी डिफेंस की न्यूज़ आई, कोई भी इंटरनेशनल की न्यूज़ आई है ना, कोई भी स्टेट की न्यूज़ आई, ठीक है, कोई भी बैंकिंग की न्यूज़ आई है ना, कोई भी बिजनेस की न्यूज़ आई, अब इसके बाद कोई भी स्पोर्ट्स की न्यूज़ आई, अब इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कोई भी बुक्स की न्यूज़ आई, कोई भी डेथ आई, डेथ्स आई, या फिर कोई भी अपॉइंटमेंट्स आए, आपको ये मिल तो जाएंगे बहुत सारी साइट्स पे, लेकिन जब हम लोग ना साइट पे देखते हैं तो हमारे पास एटलीस्ट 5,000 पेजेस का कंटेंट होता है, ठीक है, लेकिन वो 5,000 पेजेस में से आपके काम का तो केवल 500 वर्ड्स हैं, 500 वर्ड्स। आप ये 500 वर्ड्स कर लो, आपका ना करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट, ये ना एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि सर मैं उसको ना लैपटॉप पे बनाता हूँ, लैपटॉप पे बनाने से बहुत ज़्यादा इजी रहता है, बिकॉज आप चीज़ों को ना एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में माइग्रेट कर सकते हो विद इन ड्यू कोर्स। आप 1 मंथ के अंदर इतना कुछ कर लोगे कि सही है, लेकिन करेंट अफेयर्स आपको 1 मंथ में एक एक दिन का नहीं करना है। मैं कहता हूँ आप लेट सपोज एक कोई साइट कंसल्ट करते हो, जीके टुडे, ठीक है, ले लो आज साइट का नाम, आपने जीके टुडे साइट उठाई, जीके टुडे साइट में अगर आज आप बैठे हो, आज डेट कितनी है 15th, 15th को आप बैठे हो, तो आप कसम खा के बैठो कि 15th को मैं जब बैठा हूँ तो मैं एटलीस्ट लास्ट 15 डेज का कंप्लीट कर लूंगा सेक्शन वाइज। इस टाइप से मैं लास्ट 15 डेज का सेक्शन वाइज डाल दूंगा, ये आपने सेक्शन वाइज डाल दिया। अब आप डेली नहीं बैठ पाओगे, अब आप बैठते हो 18th को, तो 18th को लास्ट 15 डेज का, इसके पहले के 15 डेज का अपने करंट अफेयर्स में डाल दूंगा। अगर ऐसे आप बैठोगे ना तो एक तो आप पजल्ड भी नहीं होगे, प्लस इंटरेस्ट बना रहेगा, प्लस ये याद भी हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसमें पुराने सेक्शंस में डालोगे ना तो आपको पुरानी जो आपने टॉपिक्स डाले हैं उनकी रीडिंग भी मारोगे आप, और प्लस जैसे ही आपके ये कंप्लीट हो जाते हैं, मैं कहता हूँ आप 6 मंथ का मुझे एक बार कंपाइलेशन दिखाना, ठीक है, कि सर ये मैंने कंपाइलेशन बनाया है ये 6 मंथ का, आप याद करवा के दिखाओ कैसे याद करवाते हो, आए बैठ के वो आपको रट जाएंगे, ठीक है।
अब इसमें किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन है, क्वेश्चंस, कोई क्रॉस क्वेश्चन है अब भेजो, क्योंकि इसके नीचे के क्वेश्चन तो चले गए होंगे। फटाफट क्रॉस क्वेश्चन बोलो। बनाया बट ना थोड़ा अरेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है। सपोज कोई डिफेंस की कोई पोस्ट पे अपॉइंट हुआ है तो वो अपॉइंटमेंट में जाएगा। समीर, अगर कोई डिफेंस की कोई पोस्ट पे अपॉइंट हुआ है तो वो अपॉइंटमेंट में जाएगा? नहीं, पर्सन इन न्यूज का तो मैंने कोई कॉलम बनाया ही नहीं। पर्सन इन न्यूज में तो मोदी भी आ जाएंगे, अमित शाह भी आ जाएंगे, है ना? बाकी आप मुझे बताना और आपने क्या गड़बड़ की है तो मैं बता दूंगा। जनवरी से करना है हम लोग? बिल्कुल, मैं बोलता हूँ, देखो यार, हम लोग हमेशा चलते हैं एक चीज पे, हम लोग चलते हैं कॉस्ट बेनिफिट पे। जनवरी प्लस के कर लिए आज, अब टिल नाउ, अब इसके पीछे का आ जाएगा तो इसके पीछे का हम 1947 से आज तक के करंट अफेयर्स तो नहीं ना करेंगे। और 2 साल कोई बोलता है 2 ईयर्स कर लो, स्टिल एक क्वेश्चन आएगा कॉस्ट बेनिफिट नेग्लिजिबल है। वही मैंने बोला, जनवरी प्लस कर लो, जनवरी प्लस कर लो, उसके बाद अगर हमारे पास टाइम मिलेगा ना, क्योंकि अगर हो सकता है लेट सपोज के पेपर ज़्यादा पोस्टपोन हो जाए, अगर पेपर ज़्यादा पोस्टपोन हो जाता है तो हम लोग और थोड़ा सा पहले चले जाएंगे, जनवरी की जगह जुलाई प्लस कर लेंगे, मतलब लास्ट ईयर जुलाई प्लस कर लेंगे, है ना? लेकिन अभी आप ये जनवरी प्लस तो कंप्लीट करके रख लो। हाँ, तो कौन था भाई हमारा जिसने, आदर्श, क्लियर है आदर्श? इज इट ओके? जल्दी से ओके लिखो फटाफट, क्लियर हो तो। बिल्कुल, मैं वेरीफाई कर दूंगा यार दोस्त, तुम लोगों के लिए तो बैठा ही हूँ, टेंशन मत लो, कर दूंगा मैं। इम्पॉर्टेंट केसेस ऑफ पॉलिटी, इम्पॉर्टेंट केसेस ऑफ पॉलिटी हम लोग कल कवर कर लेंगे, कल कर लेंगे, ठीक है? पूरे कल कर लेंगे। स्टैटिक अफेयर्स, कौन है ये स्टैटिक अफेयर्स वाला, नाम बताओ भाई, स्टैटिक अफेयर्स वाला नाम बताओ, फटाफट सामने आओ, कोई है स्टैटिक अफेयर्स वाला? चलो भाई है नहीं है, शायद चले गए, कोई नहीं, स्टैटिक अफेयर्स का नहीं है। टाइम मैनेजमेंट वाला अपना नाम बताना, साथ में लिख देना टाइम मैनेजमेंट वाली इश्यू था, नाम बता दो अपना। करंट अफेयर जनवरी से कहाँ से करें, कौन सी साइड? ये टाइम मैनेजमेंट वाले थे क्या आप, शैलेश? ओके शिवम, वेरी गुड। टाइम मैनेजमेंट जॉब के साथ, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने भी जॉब के साथ ही सभी पोस्ट निकाली हैं। और शैलेश, शैलेश आपका क्वेश्चन क्या था? चलो पहले ना शिवम का बता देते हैं, शिवम एंड रितिका, ओके वेरी गुड। टाइम जॉब के साथ मैंने पहले ही बोला था, यार मुझे ना ये हिंदी में लिखते नहीं आएगा। ये बताओ मुझे गड्ढे कहाँ पे हैं, गड्ढे कहाँ पे हैं? आपको जब ये आइडेंटिफाई करना है, आई विल सजेस्ट 5 प्रीवियस पेपर्स, 5 प्रीवियस पेपर्स में वैरायटी आ जाएगी और प्लस वीकनेस आ जाएगी। ओके शैलेश, मैं आपका स्टैटिक 2 मिनट बाद लेता हूँ, स्टैटिक अभी। ये बताओ शिवम प्लीज, मुझे ना एक बार आप लोग रिप्लाई करना है, रितिका आप भी रिप्लाई करना, ठीक है? क्या आपको एक बात पता है कि आप लोगों का वीक सेक्शन कहाँ पे, वीकनेस कहाँ पे, आई मीन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बनते? आप लोग जब SSC क्वालिफाई करने के लिए जा रहे हो, आप लोग अच्छा खासा कर रहे हो, अभी आप लोग ने कोई मॉक दिया कि नहीं दिया? अगर मॉक दिया है तो वो मॉक में आप लोगों को कौन से टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बने? मॉक देते ही साथ मेरे पास 2 क्वेश्चन, 2 चीज़ें क्लियर होती हैं, एक टाइम कंज्यूमिंग,
और दूसरा रॉन्ग या फिर नॉट अटेम्प्टेड। नहीं, मैथ्स वीक बोलने से नहीं चलता, देखो मैथ्स वीक होने से नहीं चलता। नहीं आप तो, मैं बोल रहा हूँ पहले दिन मैंने जैसे ही, मैं एक बात बताता हूँ, मैंने ना बिलीव नहीं करोगे आप लोग, मैंने जब पेपर, चलो एक ये स्टोरी सुनाता हूँ, ज़्यादा लेंदी तो नहीं हो रहा है। एक काम करो, मुझे एक बात बताओ कितने लोग हो आप लोग लाइव कितने लोग हो, तो मैं बताऊँ फिर, या फिर रहने दो। ये ना शिवम, आपका क्वेश्चन मैं सबसे लास्ट में लूंगा, अभी पहले ये कुछ लोगों के ये क्वेश्चंस हैं ये बता देना, ठीक है? रुक जाओ एक सेकंड, मैं कुछ लोगों को जिनको जाना है उनके ये वाले क्वेश्चंस को पहले आंसर कर दूं, उनने काफी देर वेट कर लिया है। वर्ल्ड पॉलिटी मत करो, बिल्कुल मत करना, ठीक है? गलती भी मत करना। हमें अमंग टॉपर्स आना है, टॉपर्स के बीच रैंक चाहिए, है ना? रैंक चाहिए, रैंक वन नहीं लाना है, रैंक वन नहीं चाहिए। इस साल हमें टॉपर्स के बीच में जाना है। आप पॉलिटी, वर्ल्ड पॉलिटी करने चले जाओगे ना, आप लोग ना एटलीस्ट 10 डेज खराब कर दोगे और रिजल्ट मिलेगा जीरो। इसलिए वर्ल्ड पॉलिटी मैं मना करता हूं कि बिल्कुल मत करो, ठीक है? ये बात खत्म हो गई। ज्योग्राफी कब से? ज्योग्राफी दोस्त मंडे से होगी, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये 3 डे होंगे ज्योग्राफी के। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ये 3 डेज होंगे जलज सर के मन के, मेरे मन के। ये मेरे मन के में हम लोग करेंगे साइंस या फिर स्टैटिक या फिर करंट, डिपेंड्स ऑन मी कि मुझे इस टॉपिक के बाद, मंडे को मैंने जो टॉपिक करवाया, मंडे को टॉपिक के बाद मुझे लगता है कि आपको स्टैटिक ज़्यादा बेटर लगेगा या साइंस बेटर लगेगा या करंट बेटर लगेगा, उस पर डिपेंड। नहीं कल से नहीं, मंडे से, मंडे से, ये मंडे जो अपकमिंग मंडे है उससे बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? इतनी बात सबको क्लियर हो गई? तो एक लास्ट, एक किसी बंदे ने पूछा था, चलो जॉब के साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, फिर यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट वाले बनाया तो था, टाइम मैनेजमेंट जॉब के साथ कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली बात, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एंड मैंने अभी तक जितने भी लोगों से अप्लाई करवाया है उन पे 1000% इफेक्टिव है। नहीं, बिल्कुल मत खरीदो यार समीर, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो तुम लोग। अब ज्योग्राफी नहीं, अब ये ना टाइम मैनेजमेंट वाला देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और 1000% इफेक्टिव है, मैंने जितने भी लोगों पे अप्लाई किया है उनको ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, है ना? अब क्या है, आपको प्रायर नॉलेज जीरो है, जीरो नॉलेज, आपने एग्जाम डिसाइड किया, मैं दे रहा हूँ यूपीएससी, मैं दे रहा हूँ स्टेट पीएससी, मैं दे रहा हूँ एसएससी, मैं दे रहा हूँ यूपीएसआई एक्सेस, ठीक है, या फिर एनी अदर। लेट सपोज आप दे रहे हो एसएससी, अभी मैं एसएससी के स्टूडेंट्स को फेस कर रहा हूँ इसलिए मैं एसएससी की बात करता हूँ, आप एसएससी दे रहे हो 5 लास्ट ईयर पेपर,
इंक्लूडिंग जीरो नॉलेज। मैं मान के चल रहा हूं आप अभी बिल्कुल जीरो नॉलेज पे, बिल्कुल ज्यादा जीरो नॉलेज पे। वैसे ऐसा होता नहीं है, सबको बनता है थोड़ा बहुत, लेकिन डेली टाइम में ठीक है। अभी क्वेश्चन प्लीज मत दो मुझे, मैं ठीक है। एसएससी के लास्ट 5 पेपर्स, लास्ट 5 ईयर नहीं, लास्ट 5 पेपर्स, कोई भी 5 पेपर्स उठा लो, लेकिन उठाना एक ही एग्जाम के। लेट सपोज के आपने एसएससी सीजीएल उठाए, सीजीएल उठाए, तो 5 शिफ्ट उठा लो बस। और ये 5 शिफ्ट उठाने के बाद अटेम्प्ट कर दो, अटेम्प्ट के साथ आपको ना मार्क्स आ जाएंगे। मार्क्स अटेम्प्ट करने के बाद जैसे ही मार्क्स आते हैं, 70 मार्क्स, 72 मार्क्स, 60 मार्क्स, 45 मार्क्स, 135 मार्क्स, ये आपके 5 पेपर में मार्क्स आ गए। आ गए ना ये 5 पेपर में मार्क्स। अब आपको ये पता करना है कि मेरे 130 मार्क्स किस क्वेश्चन में गलत हुए, यहाँ पे 128 मार्क्स किस क्वेश्चन में गए, यहाँ पे 140 मार्क्स कहाँ पे गए। अब लेट सपोज आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था, हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था बुक से रिलेटेड, वो मुझे नहीं बना। एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया था, वो आया था रिवर से रिलेटेड, मुझे नहीं बना। अभी सिर्फ पांच पांच के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं 5 पेपर के लिए बता रहा हूँ, बस 5 पेपर करने के बाद करना है आपको ये। रिवर का क्वेश्चन आया था, मुझे नहीं बना। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आया था पॉलिटी का, पॉलिटी में जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन में पूछा गया था अपॉइंटमेंट्स, वो मुझे नहीं बना। इसके ऐसे ही आपको ना बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे अप्रोक्सीमेटली। अगर जब आप देखोगे ना यहाँ पे, अगर आपको 130 क्वेश्चन नहीं बने हैं, ऐसे ही आपको मैथ्स का भी मिल जाएगा इसी में टॉपिक। मैथ्स का ना स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं बना था, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं बना था, और इसमें रीजनिंग में मुझे डाइसेस का क्वेश्चन नहीं बना था, और इसके बाद मुझे एक नहीं बना था डाइसेस के बाद मिसिंग नंबर का। बस 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 मेरा काम खत्म हो गया। ऐसे आपको यहाँ पे अगर देखा जाए कितने टॉपिक्स मिल जाएंगे, जो मिनिमम मार्क्स है 45, 45, 46 पकड़ लें हम लोग तो 4, 175, 78, आपको 78 टॉपिक्स मिल गए। ये 78 टॉपिक्स आपका टारगेट है, बस ये 78 टॉपिक्स कर लो, काम खत्म हो जाएगा। अब 78 टॉपिक्स हो सकता है आप मेरे तरीके से करोगे, मैंने जैसे बुक्स करवा दिया, अब मैं जैसे रिवर्स करवाऊंगा, मैंने जैसे अपॉइंटमेंट करवा दिया, आप उस तरीके से कर सकते हो। स्पीड टाइम डिस्टेंस को कैसे करोगे, स्पीड टाइम डिस्टेंस में मैं एक ही काम करूंगा, वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। सॉल्व कर लिया मैंने और मैं मान लूंगा मेरा स्पीड टाइम डिस्टेंस खत्म हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने सॉल्व किया और वैसे ही 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और कर लिए यहाँ पे, सॉल्व किए 10 क्वेश्चन और कर लिए, सेम सेम डिट्टो पैटर्न के सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन चाहिए। इवन मतलब आपको इतना होना चाहिए कि आपको ये पता हो कि मैं पहला स्टेप ये लिखूंगा, उसके बाद लास्ट स्टेप में इस स्टेप से ये फिगर्स आते हैं, मतलब ये 2 नंबर ऐसे ऐसे स्टेप से आ जाते हैं और ये वाले 2 नंबर कुछ करने से आते हैं। समझ पा रहे हैं आप? और जब आप इतना कर लोगे तो आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस का वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, डाइसेस का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, मिसिंग नंबर के उस टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर जैसे ही आपने 78 क्वेश्चन ये कर लिए, तो आपके जो ये मार्क्स आ रहे थे ना 70, 72 से ये इस टाइप से मार्क्स आ रहे थे, यही मार्क्स आपके चेंज हो जाएंगे अभी 90, 95, 89, है ना, 85, और यहाँ पे 150, इस टाइप से ये मार्क्स चेंज हो जाएंगे। जस्ट ट्राई इट वंस। बाकी और किसी को कुछ इसमें प्रॉब्लम हो तो बता दो मुझे, अदरवाइज वाइंड अप करेंगे। जल्दी से बताओ, अदरवाइज वाइंड अप करते हैं, काफी लंबा हो गया वीडियो। इज इट ओके? कौन कौन था नाम? डेली टाइम टेबल बिफोर एग्जाम। देखो यार, डेली टाइम टेबल जैसा तो मैंने कभी कुछ फॉलो किया ही नहीं, मैंने बस फॉलो किया है मार्क्स इंक्रीज करने का तरीका, सिर्फ मार्क्स इंक्रीज करने का तरीका, है ना गगन?
क्वांट बन तो रहे हैं बट स्पीड नहीं आ रही है भाई। स्पीड नहीं आ रही बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। मैं तो भाई बता रहा हूँ प्रैक्टिस ना, उसमें मैं ये आप लोगों को याद हो, मैंने ना अभी 100 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ निकाली है, 100 100 क्वेश्चंस, 100+ क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज पीडीएफ निकाली है। ये पीडीएफ ही है कॉन्फिडेंस एंड एक्यूरेसी के लिए। आप किसी भी, मुझे एक बात बताओ, आप जो भी पीडीएफ फॉलो करते हो या फिर जो भी बुक फॉलो करते हो, उसमें आपको एक टॉपिक के कितने क्वेश्चन मिलते हैं, कितने क्वेश्चन मिलते हैं एक टॉपिक के? जिसने भी किया होगा कितने क्वेश्चन है बताओ जल्दी से मुझे। समीर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, तब मुझे बताओ कि आपको जब मैं ये पीडीएफ देता हूँ 100 क्वेश्चन की हर टॉपिक के ऊपर, लेकिन आप कोई बुक तो फॉलो कर ही रहे होगे, लाल किताब पीली नीली हरी किताब कोई भी, उसमें एक टॉपिक के कितने क्वेश्चन मिलते हैं? मुश्किल से 20 या 30। कोई और है जिसको 30 से ज्यादा मिले हों एक टॉपिक की? मैं टॉपिक मतलब मैं बात कर रहा हूँ, लेट सपोज हम लोगों ने टॉपिक किया रेगुलेटिंग एक्ट, कितने क्वेश्चन मिलेंगे? या फिर मैंने बात करी नेशनल पार्क, कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको उस टॉपिक के? कहीं भी जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, है ना, 20 30 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे किसी भी टॉपिक के। लेकिन मैं, किसी ने बोला 200 200 क्वेश्चन मिल रहे हैं, भाई कौन सी बुक है वो 200 क्वेश्चन वाली, नाम बताना मुझे, मैं भी वो बुक करूँगा। नहीं 200 क्वेश्चन वाला बताओ कौन था वो जो 200 क्वेश्चन वाला बोल रहा था 200 क्वेश्चन मिलते हैं। एनीवेज गलती से टाइप हो गया होगा, 20 30 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन जब हम 100 क्वेश्चन करते हैं ना, तो एक्यूरेसी लेवल हमारा यूपीएससी लेवल का हो जाता है। इस वजह से मैंने ये 100 क्वेश्चन की सीरीज निकाली है, और ये 100 क्वेश्चन की सीरीज आपको हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक में मिलेगी, हर सब्जेक्ट और हर टॉपिक। ठीक है, कोशिश करना सॉल्व करते रहो। ठीक है, ये बात हो गई, एक्यूरेसी हो गई। अब ये किसी ने बोला था मुझे ये नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अब मैंने कॉन्फिडेंस के लिए बताया था आप, या स्पीड नहीं आ रही, एक स्पीड टाइम डिस्टेंस का एसटीडी का सर्कुलर रेस उठाओ, सर्कुलर रेस का क्वेश्चन आज आपका गलत हुआ है मॉक में। अब सर्कुलर रेस के आप कहीं से भी 10 से 20 क्वेश्चंस, क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन अरेंज कर लो, और दिन भर का बस एक ही काम है, ये 10 से 20 क्वेश्चन ही करने हैं और मजे करना है बस। मैंने आपको कितने टॉपिक्स दिए थे, 78 टॉपिक्स बोले थे ना लास्ट में, 78 टॉपिक्स हो जाएंगे। आपने एक दिन में स्पीड टाइम डिस्टेंस का कर लिया, अब ये 78 टॉपिक में से आपके 4 6 टॉपिक तो खत्म हो जाएंगे। समझ में आया? ये 78 टॉपिक्स आपने मिक्स किए हैं कौन कौन से पेपर के, 5 पेपर्स में से, 5 पेपर्स में से 78 टॉपिक्स आए हैं आपके हाथ में। इज इट ओके? अंकित पहली बार आए हो आज क्लास में, जब से कहाँ पे थे भाई? चलो एनीवेज यहां पे सबको क्लियर है, जाऊं अब मैं, टाटा टाटा बाय। अब हम लोग कल 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 कौन सा डे है? कल है थर्सडे एंड फ्राइडे, है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। हम लोग कल भी मिलेंगे एक बार, जो भी अगर रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, रिमेनिंग कुछ होगा जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है तो वो क्लास लेंगे, अदरवाइज पॉलिटी इज ओवर। ठीक है, किसी को कोई अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक चाहिए हो तो प्लीज मुझे बता देना। अगेन मैंने बोला चलो जी, यस मेन्यू बॉट पे बता देना मुझे, हाँ टेलीग्राम। कल केसेस करेंगे बोला ना मैंने, कल केसेस करेंगे, केसेस के अलावा भी, केसेस प्लस एनी अदर टॉपिक।
बोला ना कल केसेस और ओके चलो फिर सी यू टुमारो। कल की क्लास में सब लोग जरूर आना। हाँ चलो बाय बाय गाइस लव यू। अच्छा किसी को ये क्लास अब जो भी लाइव होगा ओके एक काम कर लेना आप लोग यहाँ पे ठीक है चलो बाय।